नमस्कार, खबर निमराना से। निमराना में हरियाणा के हासी में 3 लोगों की हत्या कर फरार हुए बदमाशों का पीछा करते हुए हरियाणा पुलिस ने निमराना में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, वहीं एक बदमाश फरार हो गया। आपको बता दें कि इसके बाद 4 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग की सूचना मिलते ही भिवाड़ी पुलिस SP शांतनु कुमार सिंह और थाना अधिकारी प्रेम प्रकाश पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हरियाणा पुलिस की बदमाशों को पकड़ने में काफी सहायता की। हरियाणा पुलिस के अधिकारी ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को हांसी में बदमाश 3 लोगों की हत्या कर वहां से फरार हो गए थे, जिस पर हरियाणा के CI पुलिस को बदमाशों की लोकेशन राजस्थान के निमराना में पता चली। उनका पीछा करते हुए वो लोग निमराना पहुंचे। बदमाशों को पुलिस के आने की भनक लग गई। उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बदले में पुलिस ने भी उनके ऊपर फायरिंग की। फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगने से वह घायल हो गया और 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस को अंदेशा है कि यह गैंग निमराना में भी किसी न किसी बड़ी हत्या को अंजाम देने वाली थी। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा। इस सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में 3 लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी निमराना में फरारी काट रहे थे। आखिरकार उनको किसने शरण दी? क्या उसे इस बात की जानकारी थी? इस मुद्दे पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस फायरिंग में घायल युवक निमराना का ही बताया जा रहा है और उसके परिजनों का कहना है कि ये लोग रात में आए थे और उन्हें के रिश्तेदार होने के कारण उन्होंने उन्हें घर में ठहरने दिया, लेकिन उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ये लोग इतना बड़ा अपराध कर आए हैं। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह का कहना है कि राजस्थान पुलिस अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेगी और जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे जैसा कि बताया कि कोतवाली हासी में डबल मर्डर का जो मैटर था, तो उनके मुलजिमों की तलाश में उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो उन्होंने रजिस्ट किया, फायरिंग वगैरह हुई, दोनों में उन लोगों को सफलता मिली। उन लोगों ने पकड़ लिया और एक व्यक्ति जो उनके साथ था, एक घंटा था, उसके गाँव में गोली लगी है। वो तो ठीक है, मैं बल्कि आ रहा हूँ। अभी हरियाणा पुलिस पूरा अपने पूछताछ वगैरह कर रही है, तो एक अच्छी अभी कॉपरेशन हुआ है। अच्छा सर, कितने बदमाशों की हिरासत मिली है अभी? जो जानकारी मिल रही है उससे 2 से अधिक हैं, और अभी धीरे धीरे पता पड़ जाएगा अभी कौन कौन इनके वांटेड हैं। सर, एक बदमाश फरार भी हुआ है, वो स्थानीय लोग बदमाश के साथ ये इनसे पता पड़ा है, तो अभी हम तलाश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में इनको भी क्लियर हो जाएगा कि कौन वहाँ से था, कौन चला गया, कौन मिला है। सर, हथियार भी बरामद किए हैं जिस तरीके? हथियार भी, शायद कोई गाड़ी भी होगी। धीरे धीरे पता पड़ जाएगा सारी चीज़ें। अभी बिल्कुल इनिशियल जिस लड़के को गोली लगी वो कहाँ का है? वो रहने वाला है, यहाँ गजेंद्र नाम है उसका, यहाँ का निमराना के बता रहे हैं। और वो जो इनका मेन अभियुक्त है मोनू, उसका दोस्त था, वहाँ आता जाता भी उसका। मैंने भी पूछताछ की थी, तो आना जाना भी उसने स्वीकार किया। देखते हैं आगे क्या। सर, मोनू यहीं का है लोकली, हरियाणा का? नहीं, मोनू का मुझे पता नहीं। गजेंद्र जो लड़का बाहर है वो जरूर नहीं आता। जो आरोपी बदमाश भगाए हैं बाइक लेके, वो उनका अभी हमारे DST टीम जो है पूरा पता लगा के। तो सर, नाबालिग लड़का है जिसकी गोली अभी, तो जैसा बता रहा है तो मेडिकल उसका होगा, उसके रिपोर्ट वगैरह लेके जाएंगे। नाबालिग वहाँ हरियाणा के अंदर और UP के अंदर और अपने यहाँ बहरोड वगैरह में भी आपने पेपर देखा होगा, यहाँ पे भी हत्याकांड हुआ, यहाँ पे भी नाबालिग के रिकॉर्ड वाले। तो अपने अब तक आगे की कार्रवाई, अपने यहाँ कोई कार्रवाई होगी इसकी? डेफिनेटली फायरिंग को लेकर के इन्होंने पुलिस पे, पुलिस पार्टी को अटैक किया, तो यहाँ पे मुकदमा दर्ज करेंगे इनके खिलाफ, हरियाणा पुलिस से रिपोर्ट। सर, आए दिन क्षेत्र में जिस तरह बदमाशों को यहाँ हौसले बुलंदे वारदात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं किसे और मुझे आसूचना तंत्र बेहद कमजोर है। अभी पिछले दिनों एक दूसरे स्टेट की पुलिस आई थी। देखिए, तेलंगाना पुलिस की उनकी गलती ये रही कि हमें, हमारी पुलिस भी हम बाहर भेजते हैं। जैसे आपको पता है, एक्सिस बैंक में, शाहजहाँपुर में हमें सफलता मिली है, दोनों जगह हमने गैंग बस्ट की है। तो जहाँ पे भी हमने पुलिस भेजी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, और चाहे वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश से भी हम लोग मुलजिमों को लेके आए इसके अंदर। तो वहाँ पे मैंने खुद ने वहाँ के SP से संपर्क किया और हमारी टीम जब वहाँ गई तो उनकी अंदाज मिली। तो नियम कायदे कानून और जनरल प्रैक्टिस ही बोलती है कि हमेशा जब आप बाहर जाएँ किसी पुलिस थाने में, पुलिस क्षेत्र में, तो हमेशा आपको वहाँ की लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर के कार्रवाई करनी है। तो सर, हरियाणा पुलिस से सूचना थी? हरियाणा पुलिस ने भी, क्योंकि शायद उनको समय नहीं मिला और जाते ही इनको लोग मिल गए, तो सूचना उन्होंने बाद में दी। इनके नाम क्या थे? इनके मुलजिमों के जो घायल हुआ है, इसका नाम गजेंद्र है
और बाकी एक का नाम जो मुखिया इनका अभियुक्त उसका मोनू। वैसे सर ये बता रहे हैं कि इनको शायद लगभग एक घंटे दो घंटे के समथिंग तो वहीं घूमते हुए हो गए थे, इनको टाइम तो ये अपना हो सकता है कि उस समय अपना फील्डिंग जमा रहे हैं और उसके बाद उनको सोचा होगा कि लोकल नहीं। वैसे लोकल पुलिस को इतना देना हमेशा फायदा मिलता है। सर गजेंद्र के पास आए जाए करते थे पहले, ये गजेंद्र के पास आए जाए पहले भी आए थे, ये भी उनके वहाँ पे जाके आया था। इंस्पेक्टर विकास है, तो क्या मामला था ये बदमाशों के रात के बीच में जो मुठभेड़ हुई? क्या है, 4 तारीख की सुबह बंटी वकील के घर घुसेंगे, वहाँ पर डबल मर्डर किया है। बंटी वकील की माँ को मारा है और उसकी वाइफ को मारा है हासी में और वो बंटी वकील पर फायर किया है, लेकिन वो अपने बच्चे को लेकर स्टोर रूम में बढ़ गया। इन्होंने कोशिश भी की स्टोर रूम को तोड़ने की और उसके मारने की, लेकिन स्टोर रूम का दरवाज़ा ज़्यादा मजबूत होने के कारण वो बच गए। वहाँ फिर उन्होंने वहाँ से कैश लूटा है और गहने लूटे हैं। कितनी लूट की वहाँ, वो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन काफ़ी काफ़ी मात्रा में सोना और पैसे लूटे थे। और उनकी गाड़ी वो लोग HR 21 3 48 88 वो भी लूट के ले गए। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह 5:30-6 के बीच में इन्होंने एक वारदात तौर की, उसको भी 2 गोलियाँ मारी। किसको मारी गोली? गोलू गुजर नाम है उनका, जिनको गोली मारी आज सुबह। अच्छा, तो वहाँ से फिर ये वारदात करके हमने आउटपुट मिला कि भाई ये निमराना में भी कोई वारदात करेंगे आज। अच्छा। तो हम पीछा करते करते निमराना आए। निमराना में हम जब चौक पर पहुँचे तो हमने देखा कि भाई जो हमारे यहाँ लुटी हुई गाड़ी है वकील साहब की, हाँ वकील साहब की, वो हमारे आगे से निकले। हमने कहा कि रोक दो, तो इन्होंने भगाने की कोशिश की, तो हम उसका पीछा किया। तो हमारी 2 टीमें आई थी, तो हमारे जो आगे टीम थी हमने उनसे बात करके इस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने गाड़ी रोकते ही पुलिस पर फायर कर दिया। कितनी फायरिंग हुई है? फायरिंग काफ़ी हुई है, इसमें एक लड़का तो फायर करता करता भाग गया मुकेश नाम का, और लड़के जो सभी को हमने काबू कर लिया। और जो गाड़ी लूटी वो मिली है, कैश मिला है। कैश कितना मिला है? जो गहने लूटे हैं वो भी मिल गए। हथियार 6 असली बरामद हुए हैं विद्यालय में से। अच्छा, कितने राउंड फायरिंग हुई है आपकी तरफ से? फायर राउंड अब देखेंगे वहाँ स्पोर्ट पे। फिर भी काफी बदमाशों ने कितनी फायरिंग की आपके ऊपर? बदमाशों ने 3-4 राउंड फायर किए। 3-4 और आपकी तरफ से फायरिंग? तरफ से भी 1-2 राउंड फायर। सर एक लड़का घायल हुआ है, तो उसका इनसे कोई? वो भी इनका साथी है, हमारे बाई नेम एक मोनू के नाम से पता दर्ज है और 5 अन्य साथी उसके। अच्छा, वो जो नीमड़ा कस जिस लड़के की गोली लगी है वो आपके वहाँ पर वांछित अपराधी? इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, क्योंकि हमारे पास ये किसी का नाम नहीं है, भाई नेम एक मोनू है। अच्छा। और उसके 5 साथी हैं। ये मोनू कहाँ का है? मोनू आसी का ही। आसी का ही है। ये कोई कुख्यात अपराधी है या अभी कोई? ये इसके पहले भी काफी मुकदमे। कितने मुकदमे हैं वो देख के बताया जा सकता है। अच्छा, अभी फिलहाल आपने कोई नीमड़ा पुलिस थाने में आपकी तरफ से कोई? एस एच ओ साहब को मोबाइल कर दिया था, वीटी कर दी थी और एस एच ओ साहब और टीम आ गई थी मौके पर। अब हम उनको हैंडओवर करेंगे सारी चीजें। और यहाँ आपने कोई पर्चा दर्ज करवाया अपनी तरफ से फायरिंग वायरिंग का? या हम उनको हमारी लिखित में दरखास्त देंगे। कितने बदमाशों को गिरफ्तार किया सर? वो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको बता देंगे। नहीं, अभी कितने 4 हिरासत में कितने लिए हैं? अभी जो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, जो वो आपको निमराना थाना वाले आपको अपडेट जो भी है दे देंगे। हम सब कुछ उनको हैंड ओवर करेंगे। अच्छा।